कॉमेडी कॉर्नर में आपका फिर से स्वागत है। शादी बारात का मजा तब तक नहीं आता जब तक पूरा खानदान शादी के काम में नहीं लगता है। हाँ, पूरा खानदान मिल बांट के शादी निपटाता है, तोहफे भी लाता है और काम भी करता है। छोटे छोटे शादियां ऐसी ही होती हैं, वो सबकी जिम्मेदारी बांट दी जाती है। ये टेंट का काम देखेंगे लखनऊ वाले ताया, और खाना देखेंगे वो बिजनौर वाले फूफा, और मौसी देखेंगे सीतापुर वाली, ये महिलाओं के सारे जिम्मेदारी उनकी रहेगी। ज्वेलरी ये देखेंगी, बरात वो देखेंगी, सब की जिम्मेदारी निपटा दी जाती है। सब अपना अपना काम करते हैं, टेंशन थोड़ा होता है लेकिन निपट जाता सब कुछ है। उसमें भी गॉसिप चलती है, देखो हमको देनी है, महिलाओं सारा काम हमको देती है। हम यहाँ मेहमानी में है कि यहाँ भगवाना मांझने आए कि उनका खाना पकाने आए। वो देखो वो बैठी है बिजनौर की फूफा की यहाँ, वो देखो उनका उनको कोई काम नहीं दिया हमको सर। हम मतलब जो काम ले उसको इतना काम, वो सब चलता रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा मजा आता है जब सारा बरार रुखसत हो जाती है, काम निपट जाता है, टेंट का सामान गिना जाता है। तब ए छुटकनू देखो चार चम्मच नहीं मिल रहे चावल वाले। हाँ, अरे वो दुई कुर्सी जो दूल्हा बैठा तो कुर्सी कहाँ है? अरे दहेज तो नहीं ला ली? अरे यार देखो वो भगवना नहीं मिल रहे, डेगे नहीं मिल रही है, चमचे नहीं मिल, सब काटे अटेंट वाला पैसा, ढूंढो बेटा ढूंढो भैया, चलता रहता। आजकल जमाना बदल गया है, कॉन्ट्रेक्टर को बुलाओ, शादी में भी कॉन्ट्रेक्टर लग गए, शादी कॉन्ट्रेक्टर लग गए, आ जाओ ये लो 1 लाख रुपए शादी निपटाना है, वो आराम से निपटा देते हैं। उसके बाद जो है शादी में सबसे खाली घूमते हैं कुछ बुजुर्ग, हाथ में सब बैग लेके, हाँ देखो सब निपटाओ, हाँ अच्छे से निपटाना। वहां जाता है ये कॉन्ट्रेक्टर, बाबू जी कैसा लगा आपको इंतजाम? अरे आपका काम बहुत अच्छा रहा, अच्छे से निपटा दिया, लेकिन पान में जो सुपारी तलवार है वो थोड़ी कच्ची रहा, उसको थोड़ा देखना चाहिए था। हाँ वहां अगली बार देख लेंगे। हाँ लेकिन ये आपका काम बहुत अच्छा है, हम देखें दो चार लोगों से हम बोलेंगे भी, चलता रहता। लेकिन ऐसे कॉन्ट्रेक्टर फंसते तब हैं जब कोई उनको बड़ा ऑर्डर मिलने की उम्मीद होती है। और नेपाल से एक चिट्ठी आई कि राजा शादी कर रहा है, उसको कॉन्ट्रेक्टर से, अरे इंगेज भाग के चार, हाँ दो तीन तो धोखा दे के एक पहुंच गया, बोला साहब हम करेंगे आपकी शादी, बता कितने लोग आने, क्या इंतजाम किया मेहमान? राजा तो उसका नाम था, वो भिगारी था, एक रुपया नहीं उसके पास काट